Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. लेकिन शूट के लिए मैंने कभी किसी को नहीं, मैंने घर में कोई नहीं यहाँ से जाने. हाँ, बाय द वे ये तोहफा मुझे मिला था बागी पे, जो मेरे सेट पे है वॉर्डरोब पे, भाई ये उन्होंने दिया था मुझे. और ये सब और बागी की पिक्चर्स उन्होंने लास्ट डे जब पैकअप था, रैप अप हुआ, मैं उनसे बहुत प्यार करती थी पूरी टीम से, और उन लोगों को इतना हो गया कि जिस दिन हम वापस आ रहे थे तो सब आंसू थे आंखों में कि ओ यार खत्म हो गया. So, ये प्यार की निशानी है. एक ये निशानी है, एक अनवर मसूद साहब ने मुझे ये पेंटिंग दी थी. ये कब की बात है? कुछ अर्सा पहले की. 17. हाँ, तो ये कुछ few months, few months, yeah. क्या बात? और ये जो है इस्तांबुल में गई थी उधर वेकेशन पे, वहाँ एक पेंटर है उनसे ये ली. एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इस तरह की बहुत सारी कॉटन की तस्वीरें आपके घर में. ये क्या है? इसकी भी स्टोरी. मैरिलिन मोनरो फैन हूँ मैं बहुत बड़ी. हाँ हाँ, आपने हर जगह देखी होगी, बाहर भी कुशन्स पे, हाँ, और सामने, अगर आप सामने लाउंज के सामने कुछ लगी वो भी उनकी है वुड पे. एंड दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट फ्रॉम टर्किश गर्ल. And that's you? Yeah, that's me. इतना क्यूट लग रहा है ना, क्रिस्टल की ये है. क्यों नहीं सामने लगाया यार? इसके लिए भी तक मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रही थी, इसके लिए कुछ अच्छा सा मुझे एक ये की चेन है जैसे लगा सा. या अगर आप प्रेस करो तो क्यूट है ना. क्या बात है. सब ये तो इसके लिए कुछ जगह की जरूरत नहीं है ना, दिल में है ना. संभाला वही टूट ना जाए, हल्का सा भी गिरा ना तो वो टूट जाएगा. सो मैं तोड़ना नहीं चाह रही थी इसको. हाँ, और तोहफे जो होते हैं ना वो बड़े चांद से प्यारे होते हैं, जैसे वो मेरी फ्रेंड ने दिया है किरण ने. मैं आपको दिखाती हूँ ऑल पिक्चर्स, बैट की डिटेल में मैं आपको समझाती हूँ दिखाती हूँ. अच्छा जी, ये है किरण हक, माई बेस्ट फ्रेंड. यस और भी हैं, लेकिन ये एक वो है 3M फ्रेंड, एमन है, किरण है. सो किरण ने मेरे बर्थडे पे मुझे ये कोलाज गिफ्ट किया था. ये घर की पिक्चर है, ये लास्ट बर्थडे की है, ये एयरपोर्ट पे, ये कहाँ जा रहे थे हम, आई थिंक दुबई के बैंकॉक कुछ इस तरह से किसी ट्रिप पे थे, शायद फुकेट में थे. ये ईद की है, ये फुकेट. नहीं, ये मैं माहिद खावर के किसी कज़न की शादी थी उस पे मुझे उन्होंने बुलाया था. अच्छा, तो उस पे जा रही थी. फिर ये क्लब की पिक्चर है, ये शॉपिंग की पिक्चर है, और ये फिर एक शो देखने जा रहे थे हम. ये किरण की मामा, मेरी मामा, मैं और किरण. ये जब ये बहुत खतरनाक पिक्चर है. क्या हुआ इसको? यहाँ ओके टैटू बनवा रहे थे. टैटू? हाँ, अमीर के. वो मैंने तो नहीं देखा आज तक. राइट हियर. Can you see that? Okay, this is Saba in Thai language. Saba. हाँ, मुझे चाहिए तो Chinese में बोलेंगे तो. Madam, I don't know Chinese. I only know that Thai. Can I write it? मैं कहूँ क्या तू लिख दे भाई. Thai में लिख दे. नहीं नहीं. तो ये कितनी खतरनाक जगह पे लिखा है? टेंशन बेहद हुई होगी. नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं होती. It's just like vaccine जैसे होती है. हाँ, उससे ज़्यादा नहीं. इससे मुझे बहुत मना किया सब. देख लो, फिर सोच लो. मैं कहा तू दोस्त नहीं तू दुश्मन है, मेरा दिल सारा करने देना. तो और बातें बाहर वापस आके मैंने बहुत सलाह बातें सुनाई थी. सो अगेन, ये एक रेस्टोरेंट की पिक्चर है, ये बीच की है, लास्ट ईद की है. डिफरेंट मुलाकातें हैं हमारी. अब किरण प्यार में है. कुछ नहीं, किरण मेरे दिल में है और मिलती रहती है. हाँ, आती है. ये भी होता है एक. Who is she? Oh shit! Oh god! No 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 no! I don't like myself. नहीं, मैं हमेशा छुपा के रखती हूँ. Shit! आह नहीं नहीं, मैंने कभी भी अपने बेडरूम में आपने कहीं पिक्चर नहीं देखी होगी. मुझे बिल्कुल उस तरह से पसंद नहीं. वो तोहफे इसलिए लगाए हुए, ये मैं हूँ और इसको तो छुपा ही देना. क्यों? पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता अपना आप इस तरह से देखे. हाँ, एक और गिफ्ट है. ये आप पढ़ें. ये मेरे एक और गुड फ्रेंड माहिद खावर, उससे मेरे बर्थडे पे मुझे Very good. हाँ,
नसीहतों से भरा हुआ एक कैरेक्टर है वो. शादी क्यों नहीं करती वो रोज. मैं कहा देख मेरी एक माँ है वो काफी है, तू मेरी माँ ना बना कर, तू एक और माँ है मेरी. नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बताया तो सही है कि मुझे क्या चाहिए एक्चुअली लाइफ में, अगर मिल गया तो व्हाई नॉट. डिफरेंट जगहों से लिए और एक साथ नहीं ली, ये मैंने हारून से लिया. हाँ डिफरेंट जगहों से लिए सारी चीजें. घर बनवाया था ये बना? नहीं नहीं ये बना बनाया लिया था. एक्चुअली पहले जो मेरा घर था वो छोटा था, जो मैंने पहली बार लिया था वो भी बना बनाया ऐसे जा रही थी. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी थी मेरी 10 मरले की, वो मैंने खरीदी. मैंने कहा इसमें मैं घर बनाऊंगी. सो वो ख्वाहिश रही, उसके लिए पैसे जमा हुए. जब मैंने उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करवानी थी, उसका नक्शा पास करवाया, तो मेरी अम्मी गिर गई. अम्मी गिरी फिर वो, ये बात है 2007-8 की. तो सारे पैसे लग गए उस पर. फिर एक नए सिरे से स्ट्रगल शुरू हुई. तब तक मेरे पास एक छोटा घर और था, पर वो एक ख्वाहिश होती ना, कॉर्नर प्लॉट, सामने पार्क और बड़ा खूबसूरत सा एक एरिया में मैंने लिया. खैर अल्लाह ने किया ऐसा कि उस साल मैंने इतना काम किया और मुझे पता नहीं चला मेरी बैंक स्टेटमेंट और ऐसे ही मैं एक दिन यहाँ से गुजर रही थी तो इस पर लिखा हुआ था फॉर सेल. और आई कॉल्ड हिम एंड दे सेड कि मैम मैंने बाहर निकलना, बताया कितने पैसे देंगे. तो वो एक बड़ी स्मार्ट डील हो गई हमारे बच्चे. तो आई बॉट इट. ये एंगल भी है सबा का. सबा इज अ गुड प्रॉपर्टी. हाँ 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 दिमाग बहुत चलता है मेरा. यस मुझे लगता है कि अपना घर होना बड़ा बहुत ज़रूरी है. मैं मुझे ज़िंदगी में पता किस चीज़ का डर है, लोगों को होता है शायद किसी चीज़ के खो देने का. मुझे सिर्फ एक चीज़ का डर है, मैं किसी की मोहताज ना हूँ. मुझे कभी किसी का मोहताज ना दैट्स इट. वो बहुत खतरनाक चीज़ है कि मांगना ना पड़े कभी किसी से. अरे सबा बेडरूम में कोई ड्रेसिंग टेबल इनसाइड, यू वांट टू सी दैट? या प्लीज. वह बैड सीन है एक्चुअली. मेरे साथ क्या है, मेरे कपड़े पूरे घर में फिर रहे हैं. भाई के वार्डरोब में, साथ वाले रूम में, अम्मी के कमरे में, नीचे बच्चों के कमरे में, एक और कमरा उसमें स्टोर रूम भरा हुआ है. यहाँ तो नन्हे से चंद एक आध आपको मैं दिखा सकती हूँ. अगर आप कह रही है मेरा, मुझे बड़ी शर्म आती है. कैसे? ये मेरे लिए फिलहाल ड्रेसिंग है. यहाँ मैं मेकअप करती हूँ, बैठती हूँ और यहाँ मेरी एक चेयर होती है जो बाहर रखी है अभी मैंने. और अगेन यू कैन सी दैट ऑब्सेशन और एक वो जो ओल्ड स्टाइल दैट स्टाइल. यस आई जस्ट लव्ड इट. अमेजिंग. ओके तो कपड़े आप जूते देख रही हैं, उमड़ उमड़ के बाहर आ रहे हैं. हाँ ये देखिए एक लाइन लगी हुई है ऐसे पीछे. सात वाला रूम है वो सारा भरा हुआ है. उधर से अमीन ने निकाल दिए बाकी चीज़ें वहाँ सारे. एक एक लाइन गंदा वाला. आपको क्या एक आध चीज़ दिखाती हूँ जैसे. अच्छा इन सब में सबसे एक्सपेंसिव कौन सा ड्रेस? एक्सपेंसिव ड्रेस तो अभी यहाँ मुझे वो ये मेरी मुझे लगता है कि अभी तक का मेरे वार्डरोब में जो हैंग है ना ये मैंने लंदन से लिया था. और न्यू ईयर पे मैंने ड्रेस ली थी जिसकी कीमत सिर्फ 1.5 लाख थी शायद सिर्फ. हाँ और आप मजे की कहानी सुने कि मैं अकेली पहन के पिंग पोंग वहाँ एक रेस्टोरेंट है लंदन में वहाँ अकेली खाना खा कर वापस आके. वही फजूल बातें हो रही है कहिए. ये मत बर्बाद होंगे बाद में. आज करें हंस हंस के, बाद में देखूंगी. ये मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किए थे शारदा. मुंबई में होती, मुंबई में मेरी जो प्रोड्यूसर है उन्होंने जब देखा कि सबा को जूतों का शौक है, मजे की बात आज तक मैंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किए जूते कोई भी इनमें से. मतलब कभी जूतों में सबसे एक्सपेंसिव जूता कौन सा है? ये मेरा वर्साचे का वैलेंटिनो. सारे जूते बड़े इसके बगैर काम नहीं चलता. आपके लिप्स ड्राई नहीं होने चाहिए. वो डार्क हो जाते हैं. कैसे कैसे आप तैयार होती हैं जब आप बीबी क्रीम लिप बाम इससे सारा मेकअप हो जाता है. बीबी क्रीम लगाए उसके बाद हल्का सा ये यहाँ लगाया, ये यहाँ लगाया और यहाँ लगाया और हो गए जी. वेरी गुड. कोई इसमें झूठ नहीं है, सच्ची बात है. Done. और आपका कोई एक नेल कलर होता है ना आपका बहुत फेवरेट होता है. सो मैं मैक्स क्या करती हूँ, ये है एसी का, इट्स बर्बरी नॉटी. दिस इज माय फेवरेट. जब मैं बहुत कोई वाइल्ड मूड होता है, जब मैं खुश होती हूँ तो ये कलर चलता है.
नया आ जाता है. हाँ, मैं एक साथ एक दो खरीदती हूँ. उसके बाद एक ये ऐसी का ड्रेस, ये मुझे अच्छा लगता है. हाँ, कभी कभी लाइट मूड होकर ये चलता है. और इस तरह के कुछ नए कलर्स मुझे अच्छे लगते हैं, चेंज कर लेती हूँ. ठीक है. अच्छा सबा, कोई और ऐसा घर में ऐसी जगह जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, सबसे प्यार से आपने डेकोरेट की? डेकोरेट किए पूरा घर ही मैंने बहुत प्यार से किया अपने लिहाज से. हाँ, पर मैं ये दिखाना चाहती हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, माई 3 AM फ्रेंड एमन, उसने मुझे एक मग गिफ्ट किया था और साथ में एक छोटी सी, अगर आप क्लोज करें इसका, देखिए क्या सही है. हाँ, इज दिस द नेक्स्ट डेस्टिनेशन? वी नेवर नो, शायद, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट. और हीरो कौन होना चाहिए सर? मेरे साथ तो कोई भी आ जाए, पर नारायण घोंसले, लाला लैंड का हीरो. सोचे में क्या हर्च. अच्छा, उफ, देखा फिर कैप्शन, नेक्स्ट स्टॉप हॉलीवुड. चलो आई, आगे चलते हैं. हॉलीवुड तो जब जाना है जाना है. ये क्या, व्हाट इज दिस? ओके, सुबह कब से जाग रही हैं? 6 बजे. कितने दिन हो गए? सो ये कैसे फील कर रही हैं? बहुत. यस, सो कोई नहीं जब होता तो मैं खुद को ही थोड़ा सा, पता है आपको, मैं बड़ी कोई शदीद खुद पसंद वाली शौकीन है इस तरह की चीजों की, मसाजेस. हाँ हाँ हाँ, बहुत. निर्वाणा मेरे घर के पास है. हम जा रहे हैं लेके आपको. आइए, हम आपको ले चलते हैं.